की जरूरत ना है ना। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम निकल चुके हैं बेजुबान को बचाने के लिए। तो ये हमारे गांव से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर ये खेत है। खेत में ये काम करते थे, खेत में ये बंडा बनाया दोस्तों इन्होंने। ये किसान का खेत है, किसान ने मुर्गी पालन के लिए इन्होंने बंडा बनाया और मुर्गी के ऊपर ये सांप निकल गया। तो सबसे पहले रूबरू करने जाएंगे उनको जिनके सांप निकल। रामकृष्ण धावरू जी लाभे मेवी कहाँ शेत आम तुमचा कोणी कडा आहे? गौरखेडा सावरगाव रोड गौरखेडा रीट। त्या शेतामध्ये आमचं एक छोटंसं कुक्कुटपालन करायसाठी शेड उभं केलं आहे। त्या याच्यामध्ये कोंबडी आहे, कोंबडी पिली आहे। त्या झाक्यावर तो आम्ही जेव्हा दार उघडलं तेव्हा त्या झाक्यावर कोंबडं म्हणजे पिले खाण्याच्या संदर्भात तिथं तो नाग फणा काढून धसण्याचा प्रयत्न करत होता। तो ठीक आहे दोस्तों, चलो आइए बने रहे हमारे वीडियो में। खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों, तो उसे कैसे रेस्क्यू कर पाते हम, तो जमे रहिए हमारे वीडियो में। तो चलो आइए। तो सांप अभी यहीं था दोस्तों, यहाँ से उसने मुर्गी के अंडे वंडे खाया है। तो देखिए सांप छोटी से छोटी जगह में कैसे छुप जाता है। तार चालू कर दे, तार चालू बंद कर दे, लो कर दे, तार चमक रहा है। तो छोटी से छोटी जगह में सांप कैसे छुप जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसे सही सलामत अभी हम रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। चल गया। तो हम जैसा करते हैं वैसा करने की कोशिश ना करिए दोस्तों, क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारा अनुभव होना ज़रूरी है। आजकल काफ़ी यंग लड़कों को देखते हैं हम कि हमारी नकल करने के लिए देखते हैं दोस्तों। ऐसी नकल ना करें कि जब तक जानकारी और अनुभव नहीं है तब तक कोई सांप को हैंडल ना करे। तो दोस्तों इसे ही नाक कहते हैं, इसे ही स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं और साइंटिफिक नेम इसका नाजा है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है जिसके बाइट होने के बाद अपने पास सिर्फ 40 से 50 मिनट का ही समय होता है। तो ऐसे में आप कोई भी झाड़फूँक के चक्कर में ना गिरिए, सीधे सरकारी दवाखाना जाइए और अपना सही से इलाज करवाइए, क्योंकि कोई भी झाड़फूँक का चक्कर या जड़ी बूटी अपनी जान नहीं बचा सकेंगी। आजकल हमारे इधर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये तो आला होता है, इसके बाइट होने के बाद कोई नागमोती की तरफ जाता है तो कोई जड़ी बूटी वाले की तरफ जाता है या कोई नागमोती की तरफ जाता है। तो काफ़ी सारी अंधश्रद्धा फैली हुई है दोस्तों। जब तक इसके साथ छेड़छाड़ ना हो या गलती से अपना पैर वगैरह ना गिरे तब तक ये बाइट करने की कोशिश नहीं करता। तो देख सकते हैं काफी ब्लैक कलर का सांप है ये। तो इसे हम कपड़े के बैग में भी सही सलामत पैक करेंगे और बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएंगे।
सांप को कान नहीं होते दोस्तों। जैसे जैसे मैं ये पाइप हला रहा वैसे वैसे इसका ध्यान देखो, ये पाइप की तरफ भी जा रहा है। सांप सुन नहीं सकता, सांप के आंखों के ऊपर पलके नहीं होती, सांप कलर नहीं दे सकता, सिर्फ विजन निर्माण कर सकता है। बार बार ये अपनी जीभ निकाल के वातावरण में सुगंध महसूस करता है, यानी जहाँ पर शिकार है उसकी खुशबू महसूस करता है और उसी के ऊपर वो आ जाता है दोस्तों। क्या पाइप लगाया है रे, तो दोस्तों इसे हमने सही सलामत अभी कपड़े के बैग में पैक कर लिया है, बाद में इसे इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ दिया जाएगा। तो हमारा काम आपको अच्छा लगता है और आप वीडियो में दोस्तों एक लाइक करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते फिर ऐसे कोई अगले वीडियो में, कोई बेजुबान को बचा दे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र दोस्तों, धन्यवाद।